राम राम जय। आलू हम लोग बचपन से खाते हुए आ रहे हैं यार। आलू की कभी सब्जी, आलू के पराठे तो अपने फेवरेट होते हैं, या फिर हम कहें आलू के कुलचे हम बाहर खाते हैं। तो आलू हमारी लाइफ का एक ऐसा फूड है जो कि मतलब डेली लाइफ में यूज़ होता ही है किसी न किसी फॉर्म में। लेकिन आज हम कुछ हट के अलग बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दही आलू की। दही आलू एक ऐसी मील है, इतनी फीलिंग मील है, मतलब कि आपका पेट इतनी जल्दी भर देगी। और दूसरी चीज़, इसके कई सारे आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। देखो आलू क्या है कि स्टार्ची फाइबर है, ठीक है। फाइबर क्या होता है कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए फूड को जो भी आप खाते हो। तो जो आलू है उसमें पाया जाता है स्टार्च और फाइबर, तो ये हो गया स्टार्ची फाइबर। दही आपका प्रोबायोटिक्स है जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो आप समझना मेरी बात, जब आप दही आलू को साथ में मिक्स करके खाते हो तो आपको मान लो कभी भी किसी भी समय भूख लगी, आप अननेसेसरी कुछ भी जंक खा रहे हो, उसकी जगह जब आप दही आलू ऐड करते हो अपनी डाइट में, तो उससे होता क्या है, उससे होता है ये आपका पेट जल्दी भर जाता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाओगे, या फिर ये कहें कि पेट इतना भर जाता है कि आप बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो जैसे आप बाहर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, दही आलू आप खा सकते हो। अब बात यहाँ पे आती है वेट लॉस या वेट गेन पे क्या कर सकते हैं। देखो एक आलू आपको देगा 90 कैलोरीज, दही एक कटोरी देगा 80 कैलोरीज, मतलब कि आप ये समझ के चलो 180 190 या फिर एक बाउल में 200 कैलोरीज तैयार हो रही हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप आलू का साइज कम रखो, या फिर आप दही आधा ही लो, आधी बाउल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका पेट भी भरा रहेगा कम कैलोरीज में, और आपको फालतू का जंक आपकी बॉडी में नहीं गया कुल मिला के, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको वेट गेन करना है तो एक आलू में 100 कैलोरीज हैं, अब आप इसमें आलू बढ़ा दो, दो आलू कर दो, तीन आलू कर दो, इससे क्या होगा तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 300-350 कैलोरीज एक बार में मिल जाएंगी। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वर्कआउट के पहले इसको लेने के क्या बेनिफिट्स हैं। देखो जब इसको आप वर्कआउट के पहले लेते हो, क्योंकि वर्कआउट के पहले हमें चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी दें, और ये आपकी बॉडी में बहुत जल्दी डिजॉल्व होंगे, रिएक्ट करेंगे, तो आपको एकदम जो एनर्जी चाहिए वर्कआउट में वो आपको मिल जाएगी। तो जब भी आप वर्कआउट करने जाओ उसके 40-45 मिनट पहले एक कटोरी में दही आलू खा के जाओ, एक्सट्रीम एनर्जी देखोगे आप जब भी अपना वर्कआउट करने जाओगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक इसी टॉपिक पे था, मतलब दही आलू के ऊपर। नेक्स्ट और किसी वीडियो पे हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोई और फूड लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।